सीमा तो आपने पार की है देव, और इसका दंड मिलेगा आपको। देवी छाया के लुप्त होने से शनि के जीवन से आसक्ति का अंतिम लोप भी हो गया, परंतु शनि के लिए अभी यह सत्य जानना श्रेयस्कर नहीं होगा। इसलिए हे विश्वकर्मा, स्वयं आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शनि को देवी छाया के लोप होने का संकेत तक ना मिले। जी, पुत्र। तुम्हें भ्रम हो गया शनि पुत्र, तुम अपनी माता को अपने जन्म से जानते हो और मैं तुम्हारी माता को उसके जन्म से जानता हूं। बालपन से ही जब ये क्रोध में आती है तो ऐसे मुझसे झगड़ती है। अब तो अभ्यास हो गया है मुझे। हम पिता पुत्री के मध्य की बातें हैं शनि, तुम व्यथित ना हो पुत्र। सभा का समय हो गया है, मुझे सूर्य देव के अभिषेक के लिए सज्ज होना है। निष्कासित थे इंद्रदेव, फिर भी यहां आने का दुस्साहस किया। नारायण नारायण, शांत हो जाइए सूर्यदेव। इंद्रदेव को देवराज के पद से मुक्त किया गया है, किंतु वे देव तो है ना, और इसी नाते यदि वे नए देवराज के अभिषेक के समय इस सभा में प्रस्तुत हैं, तो मेरी दृष्टि में यह अनुचित नहीं। समय है सूर्यदेव, बदलता है। कल मेरा था, कल फिर से मेरा होगा। नारायण नारायण, सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का देवराज अभिषेक में स्वागत है।
त्रिदेव के पश्चात देवराज का पद अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है। इसलिए त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए इस विधि को मैं संपन्न करूंगा। सूर्यदेव दिन भर बिना रुके चलते हैं ताकि समस्त संसार चल सके, और ऐसे में यदि उनका अभिषेक सदैव उनके साथ चलने वाली उनकी अर्धांगिनी करे तो ये विधि और अधिक पावन हो जाएगी। तो देवी संज्ञा प्रस्तुत हो। ये क्या संज्ञा? अभिषेक विधि में दोष हो गया है। दोष नहीं, विघ्न आया है। दोष मेरे अभिषेक में नहीं, इस अपशगुनी शनि की दृष्टि में है। जैसा कुरूप ये, वैसी ही काली इसकी कुदृष्टि। जिस ओर देखता है अनिष्ट कर देता है, जहां इसके पग पड़ते हैं वहां अशुभ होना निश्चित है। यही श्रेष्ठ होता कि इसे आज के पवित्र दिन सभा में आने ही ना दिया गया होता। तो लक्षण अपशकुनी कहीं का आकर अभिषेक रोक दिया। चले, ये अभिषेक रुकवाने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि मुझे अनुभव हुआ कि जो अपने पिता को सम्मान ना दे सके वो अपने पति को क्या सम्मान देंगे। मैं यहाँ ये कहने आया था कि जो इन्होंने नाना श्री के साथ किया वो उचित नहीं था। हे
प्रश्न कुछ और है। मैं जानना चाहता हूं कौन है आप। यह कैसा विचित्र प्रश्न है? विचित्र तो वो व्यवहार था जो देव विश्वकर्मा की पुत्री ने उनके साथ किया, क्योंकि एक पुत्री अपने पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती। विचित्र तो वो शब्द थे जो इन्होंने मेरे लिए कहे। क्योंकि एक पुत्र कितना भी कुपुत्र हो, माता उसे ऐसे शब्द नहीं कह सकती। कम से कम मेरी माता तो नहीं। बताइए मुझे कौन है आप। क्या इंद्रदेव जो भी कह रहे थे वो सत्य था? एक बार बस कह दीजिए, मैंने जो भी आपके मुख से सुना वो असत्य था। ये जो इंद्रदेव ने कहा वो मिथ्या थी। एक बार बस ये कह दीजिए कि आप मेरी माता हैं। नहीं हूं मैं तुम्हारी माता। नहीं हूं मैं तुम्हारी आज सुना और जो उस दिन इंद्रदेव ने कहा वही सत्य है। नहीं हूं मैं तुम्हारी माता। तो फिर कहाँ है मेरी माता? अंत हो गया उसका। हो गया उसका। सुना तुमने, अंत हो गया तुम्हारी माता का। तुम्हारी माता का। अब तुम्हें भी यहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी माता मर चुकी है। मर चुकी है। मर चुकी है। मर चुकी है। इसका अर्थ तुम संज्ञा नहीं हो। मैं संज्ञा ही हूं देव, आपकी पत्नी यम यमी की जन्मदात्री, परंतु इस शनि की माता नहीं। तुम्हारा जन्म एक दुर्घटना थी। एक छल था, एक पाप था, इसीलिए तुम्हारा अस्तित्व भी एक पाप है और तुम्हारी दृष्टि इतनी वक्र। और तुम्हारी माता का अस्तित्व
मेरी भूल की भूल। सूर्यदेव का ताप सहन कर सकूं इसलिए मुझे तप पर जाना था, इसलिए पीछे से अपनी संतान और सूर्यदेव की देखभाल के लिए मैंने अपने प्रतिरूप का सृजन किया। मेरी छाया से जन्मी थी इसलिए छाया नाम दिया उसे। सोचा छाया बनकर मेरी संतान को पालेगी, परंतु उसने छल किया, मेरे परिवार को मुझसे छीनना चाहा, मेरे अधिकार पर अधिकार जमाना चाहा और तुम्हें जन्म दिया। जिसका जन्म ही छल से हुआ हो उसका जीवन पाप नहीं तो और क्या है। सुना तुमने, तुम्हारा जन्म अवैध है, तुम्हारा जीवन अवैध है। जैसे तुम्हारी पापिन माता छाया थी, मुझे मेरे ही घर से निकालने का दुस्साहस किया उसने। और यदि वो लुप्त ना हुई होती तो आज निश्चित रूप से वो यहाँ देवरानी के पद पर बैठती। सत्य जानना चाहते हो ना, तो सुनो, एक छलिया, एक लालची और चरित्रहीन स्त्री थी तुम्हारी माता छाया। सत्य जान लिया ना, तो अब ना तुम्हारी मेरे जीवन में कोई आवश्यकता है और ना ही देवलोक में। चले जाओ, लुप्त हो जाओ, तुम्हारी माता मर चुकी है। असंभव। जिसके लिए मैंने कैलाश यात्रा की, जिसे चिरंजीवी होने का आशीष दिया महादेव ने, वो माता नहीं मर सकती। वही स्वर, वही कटुता, सत्य में उसी छाया के पुत्र हो तुम। जानना चाहते हो ना कि कहाँ है तुम्हारी माता? मुख की ओर नहीं, मेरे चरणों में देखो, देखो मेरे चरणों में।
तुम्हारी माता। जहां से आई थी वही लुप्त हो गई। पैरों की पादुका ने मुकुट बनने का स्वप्न देखा और पैरों तले ही उसका अंत हुआ। अस्तित्व को कुचलने चली थी और मेरे पैरों तले ही कुचले गए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.